हेलो दोस्तों, व्हाट्सएप। आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटेस्टिक। जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतरीन हो। मेरी आवाज आ रही है? इज आई ऑडिबल? यस, आई एम ऑडिबल और नॉट? टेल मी गाइस, आई एम ऑडिबल? चल, वेरी गुड, आई एम गुड, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। चलिए, ओके सर, आप भूल गए हो क्या? भूल गया हूँ मैं? क्या भूलूँ भैया, मैं कुछ नहीं भूलता हूँ। आपकी वॉइस स्लो है, ठीक है ना? आ रही है ना? बस ये बताओ, आवाज़ टकाटक है ना? आज मैंने नया माइक ले लिया है, देख रहे हो क्या सालों? तुम्हारे चक्कर में ना मेरे को नाचना पड़ा, पता है? आज एग्जीक्यूटिव में नाचना पड़ा तुम्हारे चक्कर में। उन्होंने कल स्टोरी देख ली, बोले सी एस ई टी वालों से ज़्यादा प्यार करते हो आप, हमारे क्लास में डांस नहीं करते हो, ये नहीं, तो उधर भी नाचना पड़ा। बताओ, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही थी साला पैसे दे के मेरे को नचा रहे हैं सब लोग, बट ठीक है यार, आपके लिए जान हाजिर है। वॉइस थोड़ा कम है, ओके वॉइस थोड़ा कम है। ओके सर, यू आर चलो मैं शुरू करूँ अभी? ये बताओ पहले, तो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। ओके देखो यार, नेशनल इनकम हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे यार? हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे। नेशनल इनकम पढ़ते पढ़ते हमको एक चीज़ समझ में आई कि भैया नेशनल इनकम निकालना इतना भी आसान नहीं जितना तुम समझते हो। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या निकालना चाहिए? तो भैया नेशनल इनकम निकालने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। और प्रोडक्शन के लिए जो सबसे पहला कंसेप्ट हमने देखा था, दैट इज व्हाट बेटा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन दोस्तों जीडीपी जो है ना, जो जीडीपी हम लोग देखते हैं ना, वो पूरा नहीं है दोस्तों, वो पूरा नहीं है ना? तो उसको पूरा करने के लिए हमने बोला कि यार जीडीपी में हम नीफा ऐड करेंगे। व्हाट इज नीफा? टेल मी दोस्तों, व्हाट इज नीफा? नीफा इज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नीफा इज वॉट बेटा? आपका नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो नीफा को हम लोग ऐड करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, इम्पोर्ट को माइनस करेंगे, रिसिट्स को ऐड करेंगे, एंड पेमेंट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि दोस्तों अब डेप्रिसिएशन नाम की एक चीज होती है, तो डेप्रिसिएशन से इनकम ऑब्वियसली बात है कम होएगा। डेप्रिसिएशन से इनकम क्या होता है दोस्तों? कम होता है। तो हम लोग जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हम एनडीपी पे पहुंचेंगे, और अगर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हम एनएनपी पे पहुंचेंगे। आई होप सो यू ऑल आर विथ मी, ठीक है? यहाँ तक आप लोग सब मेरे साथ हो। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और हमने देखा था कि जो एनएनपी है वो मार्केट प्राइस पे हम लोग बताते हैं। कौन से प्राइस पे? मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस से अगर मेरे को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस। सर विल दिस लेक्चर बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब? यस बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपलोड कर दूंगा उसको। हाँ, अगर मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ? तो हमें पहले तो माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस को। किसको माइनस करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, और मित्रों सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा? सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट है? यहां तक हम लोग एकदम कंफर्टेबल थे, एकदम क्लियर थे कि भैया एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट? योर नेशनल इनकम। वाह वाह वाह, क्या बात है। कल मैंने आपको कुछ उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया था, कितने लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया पहले तो ये बताओ? कितने मेरे होनहार स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बाबू बेबी सोना जादू टोना से भी ज्यादा मुझे प्रिय हैं? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सॉल्व किया है पूरा पूरा? चलो यार, क्या बात है यार, आई एम प्राउड ऑफ यू दोस्तों। अगर आपने सॉल्व किया है तो आई लव यू अलॉट, और अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो स्टिल आई लव यू, प्यार मेरा कम नहीं होगा। लेकिन है ना, कभी कभी मैं गुस्सा भी करता हूँ भैया, शक्ल देख के लगता है ना आई एम वेरी डेंजरस मैन। हंसो मत सालो, सीरियसली लिया करो मेरे को, जोक पे लेते हो मेरे को। सर आंसर है 1300। ओके सब कैमरा ऑन करो। हाँ कैमरा ऑन कर सकते हो, देखो यार ऐसी कोई बात नहीं है, शक्ल दिख जाएगी तो ठीक है ना, नहाके नहीं आए हो तो समझ सकते हैं हम लोग। अच्छा लड़कियां तो पहले मेकअप करने जाएगी, अरे सर कैमरा ऑन करना तो पहले सज धज के आएंगे, बन ठन के चली रे ए जाती रे ऐसा हो जाएगा, ठीक है एवरीबॉडी। चलिए अभी हम लोग नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम निकालने के लिए
क्या निकालने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। कितने मेथड है दोस्तों? तीन मेथड हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया है ताकि डबल काउंटिंग ना हो। कौन सा काउंटिंग ना हो? डबल डबल काउंटिंग ना हो, दो बार काउंटिंग नहीं करनी है। इसीलिए प्रोडक्शन दो बार काउंट नहीं होना चाहिए। अगर डबल काउंटिंग हो जाएगी तो इनकम बढ़ के दिखेगी, लेकिन इनकम बढ़ी हुई नहीं है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं नेशनल इनकम जो है वो डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब सबसे पहले यार नेशनल इनकम निकालने के लिए जो पहला मेथड है ना उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं कॉमन पड़ी? प्रोडक्शन मेथड। और इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। इसको बाद में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। अब हमारे सामने यहां पे है मधु सिंह। मधु सिंह, मधु सिंह, मधु सिंह नमस्ते बेटा। ओके मधु जी हमारे सामने है। मधु जी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? बिजनेस। बिजनेस नहीं, बिजनेस। क्या स्टार्ट किया? बिजनेस। बिजनेस नहीं रे बाबा, बिजनेस स्टार्ट किया। तो मधु ने सोचा कि मैं बिजनेस क्या, बोले मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। बोले मैंने बोला क्या बनाती हो बेटा? बोले मैं बना लेती हूँ सर, बहुत अच्छे से बना लेती हूँ सर, मैं बनाती भी हूँ और काटती भी हूँ सर। बोला क्या काटती है तू, किसका काटेगी? नहीं नहीं बोले सर, मैं बाल बहुत अच्छे से काटती हूँ और साथ ही साथ में मैं पानीपुरी बहुत अच्छे से बनाती हूँ। शी इज़ कन्फ्यूज, एक्चुअली शी इज़ कन्फ्यूज कि उसने क्या बिजनेस करना चाहिए। मैंने बोला देख यार, बाल महीने में लोग एक बार काटते हैं लेकिन पानीपुरी खाने रोज आ जाएंगे तेरे पास, तो तू पानीपुरी का बिजनेस कर। उसने मेरे पैर छुए, बोले सर आप पुरुष ही नहीं हो। आप पुरुष ही नहीं हो? मैंने ए क्या बोल रही है तू? बोले आप महापुरुष हो। मैं अच्छा अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शी स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ पानीपुरी, करेक्ट है। तो यहाँ पे जॉनी भैया भी हमारे साथ में है, बताओ क्या ही बोले। किसी ने अपना नाम जॉनी भैया रखा है, अरे शर्म कर मिया खलीफा कह दी है मैनू, आ जाएगी ना दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, सो देखना यार, अब इसने पानीपुरी का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। देखो इसका नाम लिया, इसने कैमरा ही बंद कर दिया, बोले मेरे को बदनाम करेंगे। बंद किया क्या इसने कि चालू है कैमरा? इसकी सासू का माता, चलो कोई नहीं। मधु सिंह ने बंद कर दिया कैमरा, बोले हैं, बोले ना ना मेरा एग्जांपल लेके सर मेरे को ना बदनाम करोगे आप। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बेटा, कानपुर की सफाई करनी पड़ेगी तेरे को, बाकी आवाज़ एकदम टकाटक है मेरी। ओके सो देखो यार, अब इसने पानीपुरी का बिजनेस स्टार्ट किया। क्या लगता है आपको पानीपुरी बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा? पूरी लगेगी, येस और नो? तो इसने 5 रुपये की क्या लाई बताएं? 5 रुपये की पूरी लाई पहले। पहले पहले छोटे से बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, 5 रुपये की पूरी लाई। उसके बाद आपको पता है ऑनियन वगैरह जो है वो भी क्या कर लगता है? पानीपुरी के लिए लगता है, यस और नो? हाँ है ना, ऑनियन लगता है। उसके बाद में आपका ये लगता है, क्या बोलते हैं, आलू लगता है। उसके बाद में आपको चने वगैरह भी डालते हैं लोग, वो भी लगता है, मसाला भी लगता है। तो वो सब चीज़ें ना, मतलब मैं वेजिटेबल लिख देता हूँ, तो 2 रुपये का ये वेजिटेबल लाई, तो 5 रुपये का ऑलरेडी था, पूरी 5 रुपये की थी, 2 रुपये का वेजिटेबल ऐड किया, तो टोटल अभी वैल्यू कितनी हो गई? 7 रुपये, 7 रुपीज। फिर उसने क्या किया? बोले अभी देखो यार, बिना हाथ धोए मेरे को पानीपुरी बनानी है, तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? ए हाथ धो के बनाना, गंदी लड़की, छी बाबा छी, शेम शेम, छी शेम बाबा, ऐसे नहीं करते बेटा, गंदी लड़की है ना, लोगों को लूज मोशन हो जाएगा, ऐसा नहीं करते बेटा, हाथ धो के करना। तो बोले सर अभी है ना इसके अंदर है ना वो भी लगता है, क्या बोलते हैं उसको, रगड़ा भी लगता है ना, वो मसाला विसाला डालने के लिए चीजें लग चाहिए, तो बोले स्पाइसेस वगैरह भी लगेंगे सर। बोला ठीक है, लगेंगे तो ठीक है। तो स्पाइसेस उसने उसमें ऐड किया, तो 8 रुपये क्या हो गया? वो 5 रुपये की पूरी थी, 2 रुपये का वेजिटेबल ऐड किया, तो 7 रुपये वैल्यू हुई, एंड 1 रुपीज़ का मसाला ऐड हुआ, तो टोटल 8 रुपये हो गया। फिर उसने क्या किया मालूम? उसने उसको सेल कर दिया 10 रुपये में। कितने में बेचा बेटा? 10 रुपये में बेचा। टेल मी व्हाट इज़ द फाइनल प्राइस ऑफ पानीपुरी? पानीपुरी का फाइनल प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। तो पानीपुरी का फाइनल प्राइस आपको मिल गया दोस्तों कितना बेटा? 10 रुपये मात्र। मात्र कौन से रुपए बेटा? 10 रुपये। तो 10 रुपीज में हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? पानीपुरी बेच दी है। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ व्हाट दिस प्रोडक्ट। तो मुझे बताइए, वाइल काउंटिंग नेशनल इनकम, जब हम लोग क्या काउंट करेंगे ना नेशनल इनकम, क्या डायरेक्टली फाइनल वैल्यू ले लेते हैं? 10 रुपये ले लेंगे ना, प्रोडक्शन की जब वैल्यू निकालनी है तो क्या ले लो? 10 रुपये की वैल्यू ले लो, खत्म ही हो गई, बात ही खत्म हो गई भैया। 10 रुपये का क्या ले लो आप? 10 रुपीज का यहाँ पे क्या ले लो आप? बिल्कुल ये ले लो, तो बात ही खत्म हो गई। ओके सर, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो, इस अप्रोच को बोलते हैं फाइनल गुड्स अप्रोच।
क्या बोलते हैं बताओ, इस अप्रोच को बोलते हैं हम लोग फाइनल गुड्स अप्रोच। सो प्रोडक्शन मेथड में एक्चुअली दो टाइप के अप्रोच है। कितने अप्रोच है बेटा? दो टाइप के अप्रोच है। एक आपका है फाइनल गुड्स अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच, एक मिनट मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग चालू है क्या। हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है, वेरी गुड। हाँ, एक फाइनल गुड्स अप्रोच, अंडर दिस अप्रोच ना विल कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? कंसीडर करेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा? आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम डायरेक्टली फाइनल गुड्स का वैल्यू लेंगे। ठीक है, किसका, कौन सा वैल्यू लेंगे बताओ? डायरेक्टली फाइनल वैल्यू लेंगे। अच्छा यार ये तो ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब फाइनल वैल्यू लेंगे ना तो हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करेंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडियरी गुड्स। वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा? आपका इंटरमीडियरी गुड्स का वैल्यू हम लोग इसमें क्या कर देंगे मित्रों? इग्नोर कर देंगे। देखो इंटरमीडियरी गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसमें अभी प्रोसेस होना बाकी है। जिसमें क्या होना बाकी है यारा मेरे? प्रोसेस होना बाकी है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडियरी गुड्स। तो अब इंटरमीडियरी गुड्स जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे पानीपुरी के केस में, पूरी जो थी वो 5 रुपए की थी, तो वो इंटरमीडियरी गुड्स है, उसका वैल्यू नहीं लिया हमने। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में आ गया है, मतलब पूरी में उसका ऑलरेडी वैल्यू क्या आ गया है बेटा? कंसिडर हो गया है, है ना। पानीपुरी इज द फाइनल प्रोडक्ट, बट पूरी इज द इंटरमीडियरी प्रोडक्ट। वेजिटेबल इज द इंटरमीडियरी प्रोडक्ट, स्पाइसेस इज द इंटरमीडियरी प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ है ना। चलिए दिस इज फर्स्ट मेथड। सौरभ भैया केम छो? मजामा, हैविंग फन इन पजामा, क्या बात है। विद्धि सिंह, विद्धि नहीं है विधि है, ठीक है भैया। ये फाइनल गुड्स है। एक होता है वैल्यू एडेड अप्रोच। मोदी सरकार लेक्चर है क्या मेरे बात में? मुझे नहीं पता। वैल्यू एडेड अप्रोच एक है, ठीक है। प्रिया बोल रही मैं भी हूं, वेरी गुड बेटा। वैल्यू, स्नेहा लेट हो गया, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना, वापस जब रिवीजन करूंगा तब तो समझ में आ ही जाएगा आपको, टेंशन लो। मधुसिंह कैमरा ऑन कर लिया बेटा आपने, वापस आपका एग्जाम्पल फिर से लूंगा मैं बेटा, फिर से कैमरा बंद करवाऊंगा तेरे से मैं। ओके चलिए सेकेंड वन है। सर ये लेक्चर हम बाद में देख सकते हैं? बिल्कुल। सर मेरा मैसेज क्यों नहीं देखते हो? मैं नहीं देखना है, नहीं मैंने नहीं देखना भैया। अरे डार्लिंग ऐसे थोड़ी होता है, देखेगा ना। गुनगुन लड़का है कि लड़की? पहले तो ये बताओ, गुनगुन तू लड़का है कि लड़की है? लड़की है, ओके बेटा। चलिए वैल्यू एडेड अप्रोच, तब तो बिल्कुल नहीं देखूंगा, सॉरी, देखेगा, टेंशन नहीं लेने का, रोने का नहीं बेटा। सर फॉलो बैक तो कर दो। कर देंगे यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वैल्यू एडेड अप्रोच समझाता हूं मैं आपको, कॉन्सेंट्रेट करना। सी चेक करते हैं, वही अपना पानीपुरी वाला एग्जाम्पल लेते हैं यार, है ना। चलो ठीक है, इस बार अनीशा मैडम का एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको। ये देखो, ये अनीशा है हमारी, वाह वाह वाह, कितनी सुंदर है। दो ही बाल है इसको बेचारी को, अनीशा को दो ही बाल है। अबे दो नहीं है बाल, बाल बहुत सारे हैं, उसने क्या बोले हैं, उसने पोनी की हुई है, है ना। अब अनीशा जी ने स्टार्ट किया कि भैया मैं समोसा बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? समोसा बनाऊंगी। समोसा बनाने के लिए इसने सबसे पहले क्या लाया? मैदा लाया, ठीक है। इसने बोला गेहूं का समोसा बनाऊंगी, तो वीट फ्लार लाया उसने, उसका वीट फ्लार आया 6 रुपए का। फिर उसने आलू लाई, पोटेटो लाई, पोटेटो लाल के तो इसका वैल्यू हो गया 8 रुपए। फिर उसको तेल में तला वगैरह तो उसका वैल्यू हो गया 10 रुपए। और फिर उसको मार्केट में सेल किया उसने 15 रुपए में। व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? फाइनल प्राइस क्या है? 15 रुपए, हाँ है ना, 15 रुपीज। बट अब देखो, एक होता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब होता है हर एक स्टेज में एक वैल्यू एड हुई है। देखो जब वैल्यू जीरो थी तो हम वीट फ्लार लेके आए, आटा, मैदा आया, आटा लेके आए, तो कितना वैल्यू एड हुआ? 6 रुपए का। उसमें पोटेटो डाला, आलू डाला, तो 8, तो 6 और 8 का डिफरेंस वैल्यू कितना ऐड हुआ? 2 रुपए का वैल्यू ऐड हुआ बेटा। सौरभ समझ रहा है ना? डार्लिंग मेरे समझ में आ रहा है ना? सर अब प्लीज अपनी आंखें बंद करो, मुझे वीडियो ऑन करना है अपना। क्यों? तेरे को मैं देख लूंगा तेरे को नजर लग जाएगी क्या? नॉनसेंस। तो एक काम कर बेटा प्रिया, अपना ना लेमिनेशन करवा ले। क्या करवा ले? लेमिनेशन, वो भी ब्लैक कलर का,
गधेड़ी ढोकली, चलिए ओके मैं मस्ती में बोलता हूँ गधेड़ी, दिल पे मत लेना, मेरे को गधेड़ी कैसे बोल दिया सर ने, गधेड़ा कहीं का हमारा सर, ऐसा नहीं बोलना है बेटा। ओके मैं बोल सकता हूँ, तुम नहीं बोलोगे, नहीं तो कैसा लगेगा, मैं लेक्चर पढ़ा हूँ ये गधेड़ी पढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा, देखो मेरे को अच्छा फील नहीं होगा इसमें। ओके अब देखो 10 रुपये उसने तेल में तलाना, तो 10 रुपये, तो 8 रुपीज से 10 रुपीज, तो कितना वैल्यू ऐड हुआ, 2 रुपीज का वैल्यू ऐड हुआ। देन उसके 15 में उसने बेचा, तो 5 रुपीज का वैल्यू ऐड हुआ। क्या हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुई है वो हमने ले लिया है? हाँ या ना, हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुई ना दोस्तों उसने उसको हमने ले लिया है। सो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, और 10 प्लस 5 ओम बट स्वाहा, कितना, 15। क्या हम आंसर सेम ही आ गए हैं? नैनो में सपना, कमेंट दिख रहे हैं बेटा, क्या आंसर दोनों सिचुएशन में सेम आया है? जी बेटा, पहला अप्रोच क्या था, अरे बाबू खाना ऐसे खाओ या ऐसे घुमा के खाओ, जाना तो पेट से है और निकल, ठीक है आगे नहीं बोलता हूँ, ठीक है जाना तो पेट में ही है ना, हाँ या ना, गंदे लोग छी छी की बातें मत करो। एक है आपका फाइनल गुड्स अप्रोच और दूसरा आपका वैल्यू एडेड अप्रोच, और ज्यादा जोर से नहीं हंसते, रात को लोग घर वाले बोलेंगे पागल हो गया मेरा लड़का लड़की, नींद में हंसते रहते हो, बोले कुछ तो मालूम पड़ा, कल तांत्रिक में जाके तांत्रिक को दिखा रहे हैं जाके तुमको, बोले रात को नींद में हंसते रहता है, बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नींद में हंसने से एक एक बार बताता हूँ आपको, एक बार क्या हुआ ना, मैं जब हॉस्टल पे रहता था, मेरे को ना नींद में ऐसा बोलने की आदत है, बड़बड़ करने की आदत है, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थी मेरे को नींद में बड़बड़ करने की आदत। तो एक बार क्या हुआ ना, एक बार की बात है, मेरा रूममेट मेरे बाजू में सोया था, ठीक है ना, और है ना उस टाइम पे क्या होता था ना, हॉस्टल पे जब था ना मैं, तो घर से मेरा टिफिन आता था, खाना आते था हर सैटरडे वगैरह, है ना, आता ना मम्मी का प्यार, यू नो माँ का प्यार, खाना आता था। तो अब खाना आता था ना, तो मैं सब हॉस्टल वालों को खिलाता था, और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना तब भी खाना आता था, क्योंकि शादी नहीं हुई थी ऑब्वियसली, तो मैं स्टूडेंट के साथ खाता था बैठ के, उनको भी खिलाता था, उनका टिफिन भी मैं खाता था, ऐसा होता था। तो रात को क्या हुआ, मैं बैठ गया एकदम, मतलब नींद में था मैं, तो मेरा रूममेट एकदम से वो देख रहा है कहाँ गया ये, तो देखा तो अंधेरा आया, तो देखा तो हो भाई साहब बैठे हुए हैं, डर गया पहले तो, बोले क्या हुआ, मैं अब नींद में, मैंने बोला घर से टिफिन आया हुआ है बच्चों को खिलाना है चल। भाई साहब इसको टेंशन, बोले इसको हो गया, एक तो दोनों ही है रूम में, एकदम इसकी फट गई, बोले इसको क्या हो गया है। फिर उसने बोला चुपचाप से सो जा, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। फिर मैंने बोला ऐसा थप्पड़ मार रहा है, ठीक है मैं सो जाता हूँ, कल खिलाएंगे, बताओ। तो क्या होता है ना कि ऐसा हो जाता है कभी कभार, ठीक है इट्स ओके, है ना, किसी को नींद में ना बातें करने की आदत होती है, किसी को लात मारने की आदत होती है, ये लात मारने वाले लोग नहीं जमते भैया मेरे को। ये देखिए सोमिल सर आ गए हमारे साथ, ये जोकर की हवेली, क्या नाम देते हो वे, शर्म करो रे तुम, शर्म सीएस कर रहे हो, नाम दियो जोकर की हवेली है, ये एग्जीक्यूटिव वाला लग रहा है, एग्जीक्यूटिव के नोट्स कहाँ से आ गए तेरे पास भैया? ये जो इसका फोटो तुमने लगाया ना, वो बहुत स्मार्ट आदमी है भैया, बहुत टैलेंटेड आदमी है वो, रोज सुबह शाम पैर बढ़ाकर इसके, है ना, ये वही है श्री 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 108 श्री 420 नहीं, श्री श्री 108 श्री माननीय वंदनीय पूजनीय परम पूज्य श्रीमान परम पूज्य शुभम अब्बड़ जी है। चलिए ठीक है, क्या मुझे बताइए आपको ये समझ में आ गया, एक तो फाइनल गुड्स और दूसरा वैल्यू एडेड, क्या आपको ये समझ में आ गया, यस और नो? वेरी गुड बेटा, तो फाइनल गुड्स में हम डायरेक्टली फाइनल वैल्यू ले लेंगे, और वैल्यू एडेड में हम लोग क्या लेंगे मालूम, हम इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस लेंगे। हम किसका डिफरेंस लेंगे बेटा, इनपुट एंड आउटपुट। भैया एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट अगर हो तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनंती है आपकी कि आप पढ़ाई लग को लग जाइए, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करना है, सो प्लीज जाइए अपना टाइम वेस्ट ना करिए। ओके बड़ी, सो दिस इज द वैल्यू एडेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट का डिफरेंस को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। अच्छा सिस्टर है क्या तुम्हारी? ओके दिस इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है अब हम दूसरे मेथड में आते हैं, दूसरे मेथड का नाम है इनकम मेथड। किसका नाम है? दूसरी मेथड का नाम है दोस्तों इनकम मेथड, एंड द मेथड इज आल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। क्या कहेंगे इसको? फैक्टर कॉस्ट मेथड। ध्यान से सुनना बेटा, अभी तनु क्या बोल रही है, तनु बोले सर हमारे, तनु क्या बोल रही है, तनु ने क्या बोला है सर, यूट्यूब पे लिया करो, जूम पर अच्छे से समझ नहीं आता है, तुम्हारा ध्यान इधर उधर लड़के ताड़ने में है बेटा, तेरा ध्यान
तभी तो देखो समझ नहीं आ रहा है, तू यहाँ ध्यान दे सर, मैं भी तो मैसेज करती हूँ श्रुति जी। श्रुति जी करेंगे ना बेटा, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। चलिए अब देखो, नहीं क्या होना, जूम पे सर ऐसा नहीं है। हाँ मेरे को मालूम है तनु बेटा, हाँ ऐसा ही है। चलिए आज मुझे बहुत सारे कॉल आए थे, सबसे बोल दिया मैंने यूनिक की फैकल्टी इज़ द बेस्ट। चलिए आप सिलेक्टिव कमेंट पढ़ते हो, विद्या बोलती है, रीना बोलती है जूम पर अच्छा नहीं लगता सर। हाँ जूम पे सही, अरे मज़ा आता है जूम पे। अभी गाने वाने सुनाएंगे आपको, देखो अपने क्लास में बहुत सिंगर है, दे आर वेरी टैलेंटेड पर्सन, आई मीन टू से टॉयलेटेड पर्सन, सॉरी आई मीन टू से टैलेंटेड पर्सन। टॉयलेट भरा है तुम में, टैलेंट भरा है तुम में, बहुत भरा है टैलेंट तुम में। ठीक है चलिए अब देखो आगे, पहले सेकेंड मेथड पे आते हैं, ध्यान से सुना। सेकेंड मेथड है दोस्तों इनकम मेथड। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को प्रोडक्शन करना है, आपको क्या लगता है? मैंने आज आशीष सर को बोल दिया यार, मैंने बोला सर सुनो ना मेरे को प्रोडक्शन करना है सर। सर बोले काहे का प्रोडक्शन कर रहा, शादी हो गई, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहता है? मैंने बोला यार सर आप बहुत मेरी बातों को गलत लेते हो यार सर, है मैं इतना मासूम सा बच्चा हूँ, इतना अच्छा सा बच्चा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो और तुम पता नहीं कहाँ बायोलॉजी में घुस जाते हो। मैंने बोला मेरे को काम करना है भैया, मेरे को कुछ प्रोडक्शन करना है, मुझे कुछ बनाना है सर। बोले अच्छा ठीक है, बनाने में मेरी क्या हेल्प चाहिए, प्रोडक्शन करने में मेरी क्या हेल्प चाहिए? मैंने बोला सर ऐसी कोई हेल्प की बात नहीं है, मेरे को सिर्फ जगह चाहिए, देखो करने के लिए जगह चाहिए, प्रोडक्शन प्रोडक्शन। हाँ है ना, जितने भी लोग हंस रहे हैं ना उनका दिमाग बहुत कल्प्रिट है भैया, पता नहीं कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। जो भी डायरेक्शन में चल रहा है प्लीज 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 उसको ये करिए, है ना, उसको अपने फुल स्टॉप लगाइए बेटा। ओके सो अब देखिए, मैंने बोला सर मेरे को क्या चाहिए जगह, तो प्रोडक्शन करने के लिए बेटा, शीतल अकेले अकेले नहीं कहता बेटा, पेट दुखेगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड चाहिए। प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों? जमीन चाहिए। करेक्ट आते हैं, सुनो अच्छा, लैंड मिल गया। फिर मेरे को लगा यार प्रोडक्शन करने के लिए और कोई, तो मेरी एक दूर की गर्लफ्रेंड है, दूर की गर्लफ्रेंड है बेटा, पास की गर्लफ्रेंड नहीं है, कजिन गर्लफ्रेंड है मेरी, कोई रियल भी गर्लफ्रेंड नहीं है बेटा, हाँ तो कजिन गर्लफ्रेंड है मेरी। तो कजिन गर्लफ्रेंड को मैंने बोल के बोला ए शब्बो, उसका नाम है शब्बो, क्या नाम है उसका? शब्बो। मैंने बोला शब्बो क्या कर रही है तू? बोले कुछ नहीं आपको याद कर रही हूँ। मैंने बोला याद करना छोड़, चल आजा हम प्रोडक्शन करते हैं। बंदी खुश हो गई, बोले वाह। मैंने बोला अबे ठरकी क्या वाह। मैंने बोला इधर काम करना है भैया, काम करना है। तो बोले ठीक है मेरे को क्या मिलेगा? मैं बोला ठीक है यार आपको, आप मेरे लेबर हो। सोचिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बना दिया, लेबर बना दिया है। यूट्यूब पर रिकॉर्ड होगा, मैं अपलोड कर दूंगा। तो लैंड के बाद क्या चाहिए दोस्तों? लेबर भी चाहिए। फिर मैं वापस आशीष सर के पास गया, उनके चरणों में गिर गया, मैं पकड़ लिया मैंने उनका पैर। मैंने बोला सर 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 मेरे को है ना पैसों की भी जरूरत है, प्रोडक्शन करने के लिए पैसे भी चाहिए, मतलब थर्ड वन क्या चाहिए दोस्तों? कैपिटल चाहिए। एंड फोर्थ वन बिजनेस चलाने के लिए टॉयलेटेड पर्सन चाहिए, मतलब टैलेंटेड पर्सन चाहिए लाइक मी। तो एक फोर्थ वन चाहिए एंटरप्रेन्योर। ठीक है सो मुझे एक बात बताओ, आशीष सर ने क्या बोला? मैं तेरे को दूंगा लेकिन बदले में मैं तेरे से लूंगा। मैंने बोला सर ये लेने देने की बातें अभी क्लियर करो, क्या लोगे क्या दोगे अभी बता दो मेरे को, लेट मी क्लियर फर्स्ट थिंग। बच्चे फिर हमारे हंसते हैं, आप आधा आधा बोलते हो ना, हमारे बच्चे फिर हंसते हैं। बोले बोले देखो मैंने आपको लैंड दिया है तो बदले में मैं रेंट लूंगा। मैंने बोला अच्छा सर दे देंगे, क्या दिक्कत है? ये देख के ना शब्बों का भी दिमाग हट गया, बोले मैं भी लूंगी तुझसे। मैंने बोला क्या ये बाबा, बोले वेजेस। तो हो जाइए, लेबर को क्या दिया जाता है? गंदे लोग लेबर को क्या दिया जाता है? वेजेस। फिर आशीष सर वापस आ गए, मैं बोला ये क्या है यार, ये आशीष सर यार सुबह से लेके शाम तक आपका ही चेहरा दिखता है, ये क्या है सर? आई डोंट लाइक दिस सर यार, आई डोंट लाइक दिस। बोले मैंने तेरे को पैसा दिया है भूल गया तू? मेरा बेटा है तू, मेरा बच्चा है तू। मैंने बोला हाउ सर, तो उनको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और बचा कुछ है एंटरप्रेन्योर क्या लेके जाता है? प्रॉफिट। कहीं ना कहीं भैया ये इनकम है, बोलो ना, टेल मी, कहीं ना कहीं ये इनकम है, यस और नो, कहीं ना कहीं ये इनकम है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल इनकम है। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, मेरे साथ बोलना रेंट प्लस वेजेस, जो नहीं बोलेगा उसकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तो सेम जेंडर से होगी, 377। देख लेना भैया, देख लेना भैया, अब देख लो आपको 377 ही करना है कि सही सही करना है। तो बोलना है और जोर से बोलना है, घर वालों को भी लगना चाहिए मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रही है। वो होता है ना स्कूल के टाइम पे, भैया मैं तो बहुत करता था, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे पापा घर पे आते थे ना, मैं चिल्ला चिल्ला के अपना स्टोरी याद करना चालू करता था, चिल्ला चिल्ला के भैया, उनको लगना चाहिए अरे मेरा बेटा कितना पढ़ाई करता है। एक दो बार उन्होंने तारीफ करी, बाद में उनको समझ में आ गया येड़ा बना रहा है, येड़ा बना रहा है मेरे को,
एक दिन जो धोया है मेरे को, जो धोया है मेरे को, सारी हेक्टी निकल दी। ठीक है, मम्मी ने बोला आवाज कम करना, मेरी सीरियल चालू है, बताओ। कांची रायचा सीरियल चालू है, बताओ। मम्मी को थोड़ा सेंटी मारने का, मम्मी आप मेरे करियर के लिए सीरियल सेक्रीफाइस नहीं करते क्या? आप मेरे करियर के लिए सीरियल सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? मम्मी नहीं बोली तो क्या करोगे भाई? निकल जाना घर से, तुरंत निकल जाना। और मम्मी तो रोकेगी भी नहीं भैया, आजकल की मम्मी बहुत प्रैक्टिकल हो गई है। जॉनी भैया बोल रहा है सर नींद आ रही है, बेटा मुंह पे पानी मार थोड़ा सा, या पानी पे मुंह मारो, कुछ तो करो, कहीं तो कुछ मारो। चलिए, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, इन चारों को ऐड कर देंगे। आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत पैसे वाले होते हैं भैया। मोदी सर को पूछ लेता हूँ, एक मिनट उनका क्लास है कि नहीं, एक मिनट रुकिए, अभी पूछ लेता हूँ। मोदी भैया, भैया मैं भैया, मोदी भैया हमारा नेता कैसा हो? मोदी सर जैसा हो। अरे एक दो तीन चार, मोदी भैया की जय जयकार। मोदी जी, जनता वांट्स टू नो कि आपका आज लेक्चर है रात को। आज ठीक नहीं लग रहा है, मैंने बोला ही था बच्चों को, आज ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, चलेगा, अनाउंस कर देंगे। ओके, हाँ जी ठीक है, अनाउंस कर देंगे बेटा। फिर से पढ़ाओ ना लास्ट वाला कंसेप्ट, तरुण पढ़ाता हूँ, डोंट वरी, पढ़ाता हूँ पढ़ाता हूँ, एंड में पढ़ाता हूँ, डोंट वरी। अभी ये समझ लो पहले, विद्या बोल रही वैल्यू एडेड, समझाता हूँ, डोंट वरी, पक्का समझा दूंगा तुम्हारी कसम, पहले ये समझ लो। अब देखो यार, अब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे तरुण भाई साहब है ना, तरुण भाई साहब बहुत पैसा है इसके पास, इतना पैसा ना, इसको जब गुस्सा आता है ना तो ऐसे नोट जला जला के फेंक देता है। मैंने इसको बोला जला के मत फेंक, ऐसे ही फेंक, मैं कैच करेगा, झुकेगा नहीं, कैच करेगा। हाँ इतना पैसा है, मैंने उसको पूछा इतना पैसा आता कहाँ से? बोले सर मेरे पास है ना कुछ, एक एक गोवा में कुछ चार पांच बंगलो है सर। उसके बाद बोले सर मेरे है ना सर कश्मीर में अभी सर मैंने कुछ जगह ली है सर, वो भी रेंट पे जाती है। अच्छा, मैंने बोला तेरे को रेंट मिलता है? बोले हाँ सर। फिर बोले सर बैंक में कुछ यही कोई 50-100 करोड़ की FD बनाई है सर, उस पर कोई महीने का 2-4 करोड़ इंटरेस्ट आता है। मैं बोला अच्छा, तेरे को इंटरेस्ट भी आता है? बोले फिर मेरे कुछ सर रेस्टोरेंट है सर, बड़े बड़े पब वगैरह भी है जिसमें मैं नचवाता हूँ लोगों को। बोला अच्छा, तेरे को प्रॉफिट भी आता है? अरे बाबा, मेरे को बताओ इसको एक तरीके से इनकम आती है या मल्टीपल तरीके से इनकम आती है? एक सोर्स है या मल्टीपल सोर्स है? मल्टीपल सोर्स। तो इसका जो इनकम है ना वो मिक्स इनकम है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कौन सी इनकम आती होगी? मिक्स इनकम। तो जिनका इनकम मिक्स है ना, उनको अलग अलग मत करो, रेंट अलग कर दिया, इंटरेस्ट अलग कर दिया, प्रॉफिट अलग कर दिया। उनको बोला कि ठीक है तुम्हारी इनकम मिक्स है ना, तो हम इन तीनों में ऐड नहीं करके साइड में सेपरेटली एक कॉलम दे देते हैं मिक्स इनकम। जैसे अपने आशीष सर, भैया आशीष सर के सर पे सिर्फ बाल कम है, बाकी पैसा बहुत है इनके पास, बहुत पैसा है इनके पास, बता रहा हूँ। इनके हाथों में उंगलियां कम अंगूठियां ज्यादा है, मेरा मन करता है मैं इनसे हाथ मिलाऊं और 2-3 अंगूठियां निकाल लूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरा मन करता है ऐसा। गले में सोने की चेन है बड़ी बड़ी, मेरा मन करता है मैं इनसे गले लग जाऊं, लिपट जाऊं इनसे मैं, और चेन निकाल दूं। फिर इनको मालूम पड़ता है मेरी नीयत, इनको पता है, तो जैसे मैं इनके पास में जाता हूँ मेरे को बुक्का मारते हैं, निकल बोले भरोसे वाले, चल दूर से बात कर। ठीक है सर, सबका दिन आता है, हमारा भी दिन आएगा। एक टाइम था जब हमारे पास भी बहुत पैसे हुआ करते थे, पुश्तैनी हवेली थी हमारी, बता दिया मैंने सर को, बट ठीक है। 200 करोड़ के मालिक है कौन? आशीष सर ना, कम बोल दिया भैया तुमने। ठीक है, तो अब बताइए इनको जो इनकम आती है मिक्स इनकम। अच्छा पहले क्या नीफा तो लेना ही पड़ेगा ना, वट इज नीफा डार्लिंग? वट इज नीफा? नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का तो इनकम लेना ही पड़ेगा ना सर। उन्होंने भरोसे वाले नहीं बोला, कुछ और बोला, तू समझा ना, पब्लिक शो में नहीं बोल सकते, तू समझा ना। बस फिर पार्ट 1 अपलोड है बेटा नेशनल इनकम का, मैंने खुद ने अपलोड किया। तो इन सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा दोस्तों, दोस्तों दोस्तों, आपको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। क्या बात है, क्या बात है। ये नेशनल इनकम हमने निकाला कौन से मेथड से निकाला? हमें निकाला हमने इनकम मेथड से, विच इज ऑल्सो नोन एज वॉट? फैक्टर
कॉस्ट मेथड। चल 10 मिनट और अपनी हिम्मत जुटाए रखना, सोना नहीं है बेटा बिल्कुल भी, है ना। चलिए अब देखो यार, एक थर्ड मेथड, लास्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड। आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज, इतना बड़ा सरप्राइज ना तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तुम पप्पी दोगे मेरे को, गीली वाली पप्पी दोगे तुम, एकदम गीली वाली। सर ये गीली और सूखी पप्पी क्या होती है तुम अभी नहीं समझोगे, धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ोगे ना लेक्चर में वैसे वैसे समझ में आएगा आपको। एग्जीक्यूटिव तक आते आते तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। सर आज मुजरा करोगे? नहीं, रोज रोज सालों नचवाओगे, एग्जीक्यूटिव वाले प्रोफेशनल वाले मेरी जान खा देंगे। भैया पागल हो गए क्या, रोज रोज नाच रहा हूँ। आज तो मेरे को बोले थे सर ये वाली स्टेप करके दिखाओ, बोले ये करो सर, बोले ये बहुत अच्छा करते हो आप। मैंने बोला बे सालो क्या बोलूँ, ऊपर से एक सामने एक लड़का बैठा था वो ऐसा कर रहा है। मैंने बोला ए भाई तेरी नीयत ठीक नहीं है, तू थोड़ा दूर रहे। और मोदी सर को तो खास बोला, मैं बोला इससे दूर रहो, नहीं तो गोरी चमड़ी चमड़ी देख के मालूम पड़ा पैसे लुटाऊंगा। अरुण बोल रहा है सामने सामने, भैया नाचेगा मैं पैसों के लिए, बिल्कुल नाचेगा। जैसे 200 रुपये दिखे मेरे को ठुमका निकलेगा मेरा, 500 दिखे तो भैया ठुमका के साथ मुजरा भी निकलेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। अब एक्सपेंडिचर मेथड की अगर हम बात करें दोस्तों, आप पहनते क्या हो? कपड़े। आप खाते क्या हो? खाना। आप रहते किस में हो? घर में। और इन सब पे जो आप खर्चा करते हो ना, उनको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो सारी चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो। कंज्यूम का मतलब समझ में आ रहा है? तो एक बात ये सुनो, खर्चा, कंजम्पशन। कौन सा एक्सपेंडिचर है बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई होती है। क्या सेटिस्फाई होती है? आपकी वांट सेटिस्फाई होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे जैसे हर्ष बाबू ने, हर्ष बाबू को लगा कि शुभम सर के, शुभम मोदी सर के और शुभम अब्बर सर के लेक्चर है ना, बिना हेडफोन हेडफोन के नहीं देख सकते, क्योंकि लाइफ रिस्क पे आ सकती है। हाँ या ना? तो इसने हेडफोन खरीद लिया। हेडफोन खरीदा क्यों? ताकि इसकी वांट सेटिस्फाई होकर हो सके। दिस इज व्हाट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, इसको गाने सुनने हैं, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। संध्या घुले, संध्या मैडम ने क्या किया? उसको लगा कि अभी मेरे को बाहर घूमने जाना है, तो इसने मस्त रुपए की शॉपिंग कर ली। तो जो शॉपिंग पे इसने खर्चा किया ना, दिस इज व्हाट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सौरभ का पहला डेट है, फर्स्ट टाइम ये डेट कर रहा है भैया, पहली बार जिंदगी में ये डेट कर रहा है, तो इसने अपना कटवा लिया, बाल 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 बाल। तो बाल कटवाने के ऊपर जो उसने खर्चा किया ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मानस ने बोला कि मैं जब किसी से मिलने जाता हूं ना, तो मैं ऐसा डीओ मार के जाता हूं, तो जो डीओ पे उसने जो खर्चा किया ना, दिस इज ऑल्सो वर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मेरे को घूमने के लिए कार चाहिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। श्रुति मैडम ने बोला कि आशीष सर को एक तेल का बॉटल गिफ्ट करती हूँ क्योंकि उनके बाल कम है ना। और आशीष सर को मार्केटिंग कैसे करती है? बोले सर ये तेल लगाओ, बाल ही बाल होंगे, बाल ही बाल, बाल ही बाल, बाल ही बाल, बाल ही बाल। आशीष सर खुश हो गए, उन्होंने तेल लगाया, जो बच्चे थे वो भी चले गए। बताओ तो मुझे बताओ, आशीष सर ने जो तेल यूज किया है भैया, दैट तेल इज व्हाट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे उनकी वांट क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। नींद आ रही है? अरे 10 मिनट रुको यार, कंट्रोल करो थोड़ा सा। क्या नींद आ रही है? एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? इज समथिंग जिससे आप ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे आप फर्दर प्रोडक्शन करोगे, या जहां से आपकी आगे क्या जनरेट होगी? इनकम जनरेट होगी। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ये एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, है ना। एग्जाम्पल दिया है दोस्तों कि यहाँ पे देविका शर्मा जी, इतनी सिंसियर बच्ची है, देखो इतना बड़ा चश्मा लगा के बैठी, इतनी सिंसियर बच्ची, बचपन में इसने बहुत पढ़ाई की थी, है ना। वो एक मिथ होता है घर वालों का, जिसका चश्मा बड़ा वो बहुत पढ़ाई करती है, ये गलत बात है, उनको पता नहीं है, वो दूसरे दूसरे वीडियो देख के भी आंखें खराब हो जाती है। चलिए ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग देविका, ये सब काल्पनिक बातें हैं, अगर वास्तविकता से इससे कोई संबंध नहीं है, संबंध हुआ तो मात्र संयोग माना जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हुआ, देविका मैडम ने सोचा कि यार देखो यार मेरे में बहुत टैलेंट है यार, तो इसने क्या किया मालूम, एक शॉप ओपन कर दी, ठीक है ना। इसने क्या कर दी दोस्तों, शॉप ओपन कर दी। बोले यहाँ पे इस दुकान में आपको अलग अलग टाइप के क्या मिल जाएंगे बेटा, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे भैया कि क्या बताऊँ, यूनिक यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक चॉकलेट्स मिलती है, अलग अलग पैकेट्स मिलते हैं बिस्किट के,
और अलग अलग पैकेट मिलते हैं मैगी के, है ना, अलग अलग फ्लेवर की अगरबत्ती मिल जाती है यहाँ पे, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो मुझे बताओ, इसने शॉप ओपन की, शॉप के ऊपर जो खर्चा किया, क्यों खर्चा किया? ताकि वहाँ से इनकम जनरेट हो। तो इसने जो खर्चा किया इज वॉट बेटा, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ हम जो खर्चा करते हैं, हमारा इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट, इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। जॉनी भैया ने कैमरा खरीदा, जॉनी भैया ने क्या खरीदा दोस्तों? कैमरा खरीदा। मुझे बताओ कोई बोल रहा है क्या? हाँ, जॉनी भैया ने कैमरा खरीदा। मुझे बताओ, इस कैमरा से ये फोटो ले रहा है लोगों के, फोटो लेता है ये 50-50 रुपए में, ये फोटो निकालता है लोगों के। तो मुझे बताओ, ये कैमरा जो है ये भी क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उससे इसकी इनकम जनरेट हो रही है। और तीसरा और लास्ट एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, गवर्नमेंट भी दो टाइप के खर्चा करती है, एक है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो, गवर्नमेंट भी अपने वांट सेटिस्फाई करने के लिए दोस्तों खर्चा करती है। जैसे एग्जांपल, क्या गवर्नमेंट को सैलरी देनी पड़ती है? जितने भी हमारे पुलिस वाले हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है, उनको कार भी देनी पड़ती है, उस कार में पेट्रोल का खर्चा भी देना पड़ता है। ये सब क्या है दोस्तों? आर्मीज वाले जितने भी लोग हैं, हमारे जवान जो भी हैं, करेक्ट है, उन लोगों को खाना भी देना पड़ता है, उनको फूड देना पड़ता है, क्लोथ्स देने पड़ते हैं, है ना, रहने के लिए क्वार्टर देना पड़ता है। लोग पीने के लिए क्वार्टर लेते हैं, बोले नहीं, वो क्वार्टर नहीं, रहने के लिए घर भी देते हैं हम हमारे आर्मी वालों को, यस और नो? तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इससे गवर्नमेंट लोगों की क्या सेटिस्फाई कर रही है? वॉन्ट सेटिस्फाई कर रही है। फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। जैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो इंडियन रेलवे आजकल मेट्रो ट्रेन चला रही है गवर्नमेंट, मेट्रो ट्रेन से, मेट्रो रेल से उनको क्या आएगा? पैसा आएगा भैया, पैसा आएगा उनको, बिल्कुल पैसा आएगा, मालूम, समझ में आ रहा है? हाँ जी, हॉस्पिटल चलाती है गवर्नमेंट, वहां से भी पैसा आता है। तो दीज ऑल आर द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं, बोलो शी प्लस आई प्लस जी, बोलो शी प्लस आई प्लस जी, बोलो सी प्लस आई प्लस जी। सी फॉर व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई फॉर व्हाट? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी फॉर व्हाट? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और इसको तो आप भूल ही नहीं सकते ना, नीफा को, जिसको हम एक्स माइनस एम एंड आर माइनस पी बोल सकते हैं, दैट इज व्हाट बेटा आपका नीफा। तो ये देखिए, नेशनल इनकम मिल गया आपको तीसरे मेथड से, दैट इज व्हाट बेटा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम लोगों ने तीन मेथड कंप्लीट की है। पहला कौन सा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा दोस्तों? पहला आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा कौन सा है बेटा आपका? दूसरा आपका है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी, पहला मेथड कौन सा है? प्रोडक्शन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है आपका बेटा? इनकम मेथड। और तीसरा आपका है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीन मेथड आज हम लोगों ने खत्म कर दी। आज के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी या। मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। लेक्चर को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, प्यार देना है, क्योंकि वो है ना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, जो दोगे वो मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।